नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मनोहर सरकार अगर किसी चीज के लिए अपनी पीठ सबसे ज्यादा थपथपाती है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन। लेकिन विपक्ष को सरकार के इस दावे में जरा भी दम नहीं दिखाई देता है। हाल ही में माइनिंग घोटाले के आरोपों ने खूब तूल पकड़ा और धान खरीद में भी धांधली के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए गए। हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक के कुछ दिन के बाद ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राइस मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की बात कही। यह फिजिकल वेरिफिकेशन 19 दिसंबर यानी कि परसों से होना है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बॉडी कैमरों के साथ विभाग के अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे ताकि कोई मिलर गलत कार्रवाई का आरोप ना लगा सके। जिले के हिसाब से टीम का गठन किया जा चुका है और 19 तारीख का निकल से इस पर काम भी शुरू होगा। अब सरकार ने आदेश दिया तो विभाग भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो राइस मिलर हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन ना कराने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने चेतावनी भी दे दी विभाग के अधिकारियों को कि मिल के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब राइस मिलर कह रहे हैं कि जब वो दो बार पहले ही फिजिकल वेरिफिकेशन करा चुके तो फिर बार बार या तीसरी बार ये काम क्यों करें और क्यों किया जा रहा। राइस मिलर्स ने कहा कि जब पिछली दो बार वेरिफिकेशन कराई गई थी तो कोई खामी नहीं मिली, तो इस बार क्या मिल जाएगा। सरकार फिर से डंडे के दम पर राइस मिलों में छापेमारी करना चाहती है। राइस मिल चलाने वाले आरोप लगा रहे कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन व्यापारियों को परेशान कर रहे। चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो 18 दिसंबर को सरकारी चावल की डिलीवरी बंद कर दी जाएगी। बात अब यहां तक पहुंच गई कि हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन ने सरकार के साथ कस्टम मिलिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हुए अपने राइस मिलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब मिलर सरकारी चावल को तो बंद करेंगे ही, साथ ही सरकार का धान भी वापस करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी सूरत में फिजिकल वेरिफिकेशन स्वीकार नहीं है। हरियाणा में 1300 से ज्यादा राइस मिलर कस्टम मिलिंग का काम करते हैं, लेकिन तीसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर राइस मिलर्स और विभाग के बीच में अब ठनकी हुई दिखाई दे रही। लेकिन सरकार किसी भी हाल में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की बात कर रही है, क्योंकि धान घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो सामने आ सकते हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन सही ढंग से होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सरकार ने जो बात ठान ली उसे बीच रास्ते में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब अब राइस मिलों में फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कराएगी सरकार, और जब राइस मिलें विभाग की टीम पहुंचेगी तो उसको रोकने की कोशिश भी हो सकती है। यह वजह है कि हर तरह के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। अब समझिए कि आखिर में पूरा खेल है क्या। सरकारी खरीद एजेंसियों ने जो धान खरीदा था उसे मिलिंग के लिए राइस मिलों में भेजा गया। इसके लिए बकायदा अधिकारियों ने सरकारी कागज पर दस्तखत किए। सरकार के पास से रिपोर्ट है कि कागजों में जितना धान राइस मिलों में भेजा गया तो वास्तव में उतना धान स्टॉक में मौजूद नहीं है, और इसी वजह से सरकार हर कीमत पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आमादा है। अब शायद यही वजह है कि मिल मालिक प्रताड़ना का बहाना बनाकर पीछे हट रहे, या हो सकता है सही कह रहे। राइस मिलर्स ने गड़बड़ी भले ना की हो, लेकिन घोटाला और घपला कैसे होता है ये उन्हें अच्छे से पता है। विपक्ष अगर लगातार घोटाले के आरोप लगा रहा तो उसकी जांच भी जरूरी हो जाती है। वो तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे। सरकार भी जानती है कि अगर जांच नहीं की गई तो बाद में कोई और बात सामने आएगी तो दाग सीधे सीधे सरकार की कमीज पर ही लगेगा। अब फिजिकल वेरिफिकेशन सरकार के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं, लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर राइस मिलर इतने बुलंद होकर विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसका आधार क्या है। अब राइस मिलर्स को समझ लेना चाहिए कि विभाग के अधिकारी उनके मिल में दाखिल जरूर होंगे, जांच भी की जाएगी और गड़बड़ी पाई गई तो फिर एक्शन भी होगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। राइस मिलर्स को जितनी चेतावनी देनी थी वो दी जा चुकी है, अब पैरवी की बारी है। करनाल राइस मिलर्स यूनियन ने आज करनाल के सांसद संजय भाटिया से मुलाकात की। कल राइस मिलर्स चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात कट जाएगी ऐसा लगता नहीं। 14 दिसंबर को डिप्टी सीएम ने फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आइए वो सुनते हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि 19 तारीख के बाद जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन के स्टेप्स उठाए जाएंगे उसके अंदर, जैसे एक्साइज में हमने पॉलिसी बनाई है कि टेम्परिंग ना हो,
तो तमाम अधिकारियों को बॉडी कैमराज के साथ इंस्पेक्शन पे भेजा जाएगा, जिसके अंदर ये आरोप नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर गलत कार्रवाई करी गई। तो एक कदम तो ये आज हमने उठाया। दूसरा है कि जैसे परचेज के अंदर पीडीएस सिस्टम के अंदर जो परचेज होती है उसको वेइंग स्केल से आपके पीओएस सिस्टम को जोड़ा गया, उसको हम कैसे और रिफाइन करें उसके लिए भी कदम उठाए गए। अब अगर इस फिजिकल वेरिफिकेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम सामने आया तो सरकार उन्हें भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी इस कथित धान घोटाले में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस समय हालात दूसरे। हालात ये है कि सरकार और राइस मिल मालिक आमने सामने हैं। करनाल के राइस मिलर सुभाष गुप्ता कहते हैं कि राइस मिल में अफीम नहीं बेचते कि बार बार आकर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम छापेमारी करे। बार बार की पीवी से, बार बार की प्रताड़ना से बहुत ज्यादा परेशान है। रात को दो दो बजे, डेढ़ डेढ़ बजे, एक एक बजे पुलिस आती है सैलरों में। कोई वहाँ पे चूरा पोस्त या अफीम का काम तो कोई गैर कानूनी काम तो राइस मिलर करता नहीं। सम्मानित सब व्यापारी हैं, सम्मानित सारे जो है ना टैक्स पेयर हैं, और जो है ना हमारे को एक किस्म से टोटल मीडिया ने, सारे समाज ने ये सरकार के द्वारा चोर बना दिया। भी ये तो चोर है। फैसला हमने ये लिया है, जो सरकार ने हमारे को दान दिया था वो टोटल दान हमारे पास सुरक्षित है, और एक एक दाना हम सरकार को वापस लौटा देंगे। उस दान का हम कस्टम मिलिंग नहीं करेंगे, उसकी मिल्ट नहीं करेंगे। तो सुन लिया आपने कि राइस मिलर्स क्या कह रहे हैं। राइस मिलर जिस तरह से विरोध में अब खड़े हो गए और उन्होंने चेतावनी तक दे दी है, उससे सरकार का शक और ज्यादा गहरा हो सकता है। सिर्फ दो दिन का, एक दिन का इंतजार है, इसके बाद विभाग की टीम राइस मिल तक पहुंचेगी, जांच पड़ताल शुरू होगी। धान घोटाले के आरोप सरकार को तब भी झेलने पड़े थे जब पहली बार मनोहर सरकार पार्ट टू विधानसभा में पहुंची थी। हुड्डा और अभय चौटाला मुखर होकर धान घोटाले के आरोप लगाते रहे हैं और अब जांच की बारी आ गई है, लेकिन मामला अब पेचीदा हो गया। अब ऐसे में आज की बड़ी बहस में कुछ बड़े सवाल भी हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन से इस वक्त में अचानक से मिलर्स पीछे क्यों हटे? क्या वाकई उनका तर्क सही है या फिर कुछ गड़बड़ है? राइस मिलर्स को प्रताड़ित करने का जो उन्होंने आरोप लगाया है वो कितना तार्किक, कितना सही है और कितने प्रमाण है उसके? तीसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि मिलर्स कहते हैं कि दो बार पहले हो गई, तब तो ना तो चूरा पोस्त और अफीम मिली और ना ही कोई गड़बड़ी मिली, तो इस बार क्या मिलेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर यादव साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ गुरुग्राम से हैं, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। दलवीर धनखड़ साहब प्रवक्ता जेजेपी के गुरुग्राम से, बहुत स्वागत है धनखड़ साहब आपका। अमनदीप केसरी है प्रवक्ता इनेलो के चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है अमनदीप केसरी आपका। राजेंद्र जादौन साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है जादौन साहब आपका। और अमरजीत छाबड़ा प्रेसिडेंट हैं हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन से, बहुत स्वागत है छाबड़ा साहब आपका। अमरजीत छाबड़ा, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, एक संवेदनशील सरकार पर इतना गंभीर आरोप कि आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे? ऐसा है, सरकार, मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के राइस मिलर के मान और सम्मान पर भी ठेस पहुंचाई जा रही है। उसका क्या कारण है कि जब हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे तो धान का किसान को पूरा सही भाव मिलता है, और इस बार कहीं भी कोई मंडियों में बिल्कुल भी ऐसी कोई किसी किसान की तरफ से ऐसा नहीं आया कि किसान की धान कम दाम पे खरीदी जा रही है या उसमें कोई दिक्कत है कहीं भी। किसान का धान मोक्षर, जैसे कि सरकार ने पॉलिसी में जो चीजें निर्धारित की हुई हैं, 17 मोक्षर है, 17 से 22 मोक्षर अगर है तो उसमें कट की एक पॉलिसी बनाई गई थी बीजेपी की सरकार में, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। एक दूरदर्शिता की दृष्टि से इन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, और हरियाणा में जब धान की खरीद में राइस मिलरों का कहीं भी कोई ऐसा रोल नहीं रहता, क्योंकि सरकारी एजेंसियां सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं, जिसमें हैफर्ड है, डीएफएससी है और फूड्स है। एक एग्रो एजेंसी हुआ करती थी जो इस साल से बंद हो गई है, जो कि खरीद नहीं कर रही है धान की, और धान की खरीद सरकारी एजेंसियां ही करके मिलर्स को सौंप देती हैं स्टॉक, और मिलर उसको मंडियों से उठाकर अपने राइस मिल में उसको स्टोर करता है, और जहां पे उसकी सुखाई की जाती है और उसकी मिलिंग करके उसको
मिलिंग करके उसका चावल सरकार को सरकार के मापदंडों के हिसाब से दिया जाता है। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जब अब इस बार विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया एक और सरकार ने उनके दबाव में आकर फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि मैं कहता हूं सरकार का एक राइट है, आपने जो चीज मुझे दी हुई है आप उसको किसी टाइम भी चेक कर सकते हो, किसी भी राइस मिलर को उसकी मनाही नहीं है। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी पॉलिसी में लिखा है, जाके आप पुलिस को ले जाकर राइस मिलों में ताड़ेबंदी का काम करोगे, अधिकारियों के ले जाओगे ताड़ेबंदी का काम करोगे, राइस मिलों के बाहर राइस मिलों के अंदर पुलिस को बैठाओगे। इस चीज से राइस मिलों ने कड़ा इसका विरोध किया था, जिसमें सरकार की तरफ से अनिल विज जी जो हमारे अब इस टाइम गृह मंत्री हैं, मैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने उनकी तरफ से आगे आकर वो हरियाणा के राइस मिलरों की जो फिजिकल वेरिफिकेशन उसके बाद हुई पुलिस हटी। फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी भी राइस मिलर के पास कोई भी गड़बड़ी या कोई भी धान का एक दाना कम नहीं पाया गया, और इनके बावजूद दो बार उसके बाद एक बार फिर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई। मैं ये फिजिकल वेरिफिकेशन कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, इससे ये पिछले 3 सालों से चल रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन हर बार होती है। विपक्ष ने एक बार पहले भी, आपको ध्यान होगा, 1509 का मुद्दा जो था हरियाणा में 2015 में, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसान को बेनिफिट देने के लिए 1509 को दिया था कि उसको ए ग्रेड में शामिल करके उसको भी राइस मिलर परचेज करेगा, जो कि उस वजह से किसान को, हरियाणा के किसान को उसका पूरा लाभ मिला। वही धान थी पंजाब की मंडियों में 13.25 रुपए में बिकी और हरियाणा की मंडियों में 1510 रुपए में बिकी। उस टाइम भी वो 157 करोड़ का केवल धान था, जबकि उसका घोटाला कहा जाता था बढ़ा चढ़ाकर ये 4000 का घोटाला है, 4000 करोड़ का घोटाला, ये 8000 करोड़ का घोटाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद वो पैडी पोर्टल पे डाल दी गई, उसका कोई भी खरीदार नहीं आया। इन्होंने कहा कि ये पैडी होने पौने दामों में खरीद ली है, जिसमें सारे मिलरों ने उस टाइम भी 1509 के धान को अलग रख दिया, स्टोर अलग करवाया गया। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर, करनाल में मिलकर मुख्यमंत्री जी को यह सारी समस्या से अवगत करवाया था और मुख्यमंत्री जी ने हमें इसके बारे में आश्वस्त करवाया था कि आपका जो धान है बिल्कुल अगर सही खरीद और सही सब कुछ मिलेगा तो किसी भी राइस मिलर को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है। छाबड़ा साहब, छाबड़ा साहब, अब मेरे समझ में ये नहीं आया कि आप सरकार का अभिनंदन भी कर रहे हैं और सरकार में आपको प्रताड़ना हो रही है और उसके साथ साथ मान सम्मान पर भी प्रहार हो रहा है, मतलब मानहानि का दावा भी आप कर रहे हैं कि हमारी मानहानि हो रही है, डिफेमेशन चार्ज भी कर दिया आपने। जवाहर यादव साहब वो कहते हैं कि दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया, अब तीसरी बार क्यों कराएं? आप कहते हैं करा कर रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार हुई है, दो बार नहीं हुई। एक तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से है कि दूसरी बार जिसको ये कह रहे हैं उसमें एक गए थे तो वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वास्तव में जिसको फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं ये दूसरी बार अब होगी। एक नवंबर में हुई थी, अब एक दिसंबर में होगी। दूसरा, ये धान है क्या, जो चावल है जिसको आप पैडी कह लीजिए, ये हरियाणा सरकार की संपत्ति है जो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इसको हमारे आढ़ती खरीदते हैं, परंतु उसका हरियाणा सरकार पैसा देती है, तो वो जो पैडी है वो किसी की नहीं है, वो हरियाणा के किसानों से हरियाणा की एजेंसियों ने खरीदी है, ना वो राइस मिलर की है, ना वो जो बीच में खरीदने वाले हैं उनकी है, वो हमारी संपत्ति है। अगर हमारी संपत्ति किसी के गोदाम में रखी है, और इसमें खुद छाबड़ा साहब जी कह रहे हैं, छाबड़ा खुद कह रहे हैं कि उसमें भी इनको भी आपत्ति नहीं कि उसके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे, समस्या कहां से आई? इन्होंने खुद कहा कि पिछले 3-4 साल से फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हुई। जब हमारी सरकार आई तो 2015 में ऐसे उदाहरण आए कि मार्च में जितना चावल वापिस आना चाहिए था उतना वापिस आया नहीं, लेकर कहा है उस समय कि मैं किसी आड़ती को या किसी राइस मिलर को गलत नहीं। एक मिनट, मैं अपनी बात कह लेता हूं। इसमें जो लोगों का ध्यान होता है कि उस समय जो हमें ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि राइस मिलर ने जो चावल लिए थे, एक 100, मान लीजिए एज एग्जाम्पल 100 किलो अगर किसी ने पैडी लिए तो उसके बदले में 67 किलो चावल राइस मिल बनाकर देती है, वो नहीं मिला। और इस विवाद में मैं भी जुड़ा था क्योंकि मुझसे भी उस समय कुछ राइस मिलर मिले थे, मुझसे बाकी लोग भी मिले थे, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया था। उसमें निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई और संकोच नहीं है क्योंकि ये खरीद
पूर्व की सरकारों में हुई थी। हमारी सरकार नवंबर में आई और उसके बाद जब मार्च में उस सामान को चाहिए था, वो धान चाहिए था, वो उतना नहीं मिला था। जहां तक ये मेरे मित्र कह रहे हैं 509 वाला मामला धान का, वो अलग मामला है, वो उस वाला नहीं है। तो इसलिए जब मुझे लगता है कि इससे किसी भी उसको हमने जो पहला वेरिफिकेशन किया इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें गड़बड़ी मिली या नहीं, एक साथ मैं 1500 की बात नहीं कर रहा, अब तो मैं वापस आ गया 2019 में आ गया हूं। जो पहले जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है उसमें भी जब फिजिकल वेरिफिकेशन गए तो हमने भी अपने राइस मिलर को एक लाभ अरे छात्र साहब मैं अपनी बात पूरी कह रहा हूं जी जल्दी से जवाहर जी, जल्दी से छाबड़ा साहब सुन लीजिए, बहुत जल्दी से जवाहर जी, उससे कोई गलती हो रही है मेरे बात, हाँ उसको बाद में सुधारना है। देखिए अभी भी जो हमारा पहला फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ जिस समय फिजिक, अरे सर मैं अपनी बात तो कह लूं ना सर, मेरे बात ठीक कर देना फिर तो मैं आपको ठीक करता हूं, आप मुझे ठीक करते रहेंगे डिबेट नहीं हो पाएगी। छाबड़ा साहब मेरे बाद मेरी गलतियों को ठीक कर देना, मेरा निवेदन है। मैं बोल लेता हूं पहले, जहां अभी जो पहला फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसमें जब फिजिकल वेरिफिकेशन निकले तो राइस मिल का कहना यह था जी कुछ पैडी हमारे गोदाम में पड़ी है, कुछ राइस मिल में गई जहां की इसको धान बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, हर राइस मिल ने तब ये नहीं सिलेक्ट हो पाया था कि इस समय राइस मिल के अंदर कितनी धान चावल बनने चाहिए थे और गोदाम जो इनके अलग अलग होंगे उसमें कितनी पैडी है, तो उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। तो हम दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए कर जवाहर यादव साहब, जवाहर यादव साहब ये सारी प्रक्रिया और सारी बातें हमें पता है, मेरा बस इतना सवाल था ना, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे आपके हिसाब से दूसरी बार या उनके हिसाब से तीसरी बार, एक लाइन में बता दीजिए। देखिए निश्चित रूप से दिसंबर में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, कल भी हमारे जो इसके मुख्य सचिव हैं जो भी हमारे इस डिपार्टमेंट के हैं उनसे भी कल कैथल के लोग मिले, उन्होंने कहा जी आप जब मर्जी हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन कर। ठीक है, मैं समझ गया छाबड़ा साहब, आप नोट कर लीजिए, सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन दूसरी बार आपके हिसाब से तीसरी बार कराने वाली है, इसके लिए तैयार हो जाइए। अमनदीप केसरी, विपक्ष ने एक शिगुफा छेड़ दिया यह कहना है छाबड़ा साहब का, और सरकार दबाव में आ गई और ऐसी दबाव में आई कि वो कह रही है कि नहीं हम फिजिकल वेरिफिकेशन कराकर ही रहेंगे, और राइस मिलर्स कह रहे हैं कि मान सम्मान को ठेस है। सर हमें दूसरी छाबड़ा साहब एक मिनट, अमनदीप केसरी से मेरा सवाल है, सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं बार में फिजिकल, अरे छाबड़ा साहब एक मिनट अपनी अपनी बारी में बोलिए, छाबड़ा साहब अपनी अपनी बारी में बोलिए, अरे सुन तो लीजिए अब ऐसे, एक मिनट अपनी बारी में बोलिए ना, अमनदीप केसरी जी, ये कोई शगुफा नहीं छोड़ा था विपक्ष ने, देखिए कोई ना कोई मामला था तभी ये यहां तक बात पहुंची है, और इसमें मैं छाबड़ा साहब की बात से इस बात से जरूर सहमत हूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो पहले हुई है, अगर जवाहर यादव जी कह रहे चलो एक बार हुई है ढंग से तो उसके क्या रिजल्ट आए, और आपने अगर कर ली है तो कहां पर घोटाला पाया गया, किस राइस मिलर की कमी पाई गई, जो राइस मिलर इसके अंदर गड़बड़ी कर रहे थे उन पर क्या एक्शन सरकार ने लिया, अब ये फिर से जो करवा रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि ये जो राइस मिलर्स जो थे, कुछ राइस मिलर्स जिन्होंने घपला किया था उनको टाइम दे रहे हैं ताकि आप तो सुधार लीजिए, और जो बेचारे ईमानदार राइस मिलर्स हैं उनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप बार बार वहां पर अफसर जाएंगे उनको तंग करेंगे। तो पहले से तो सवाल इसमें खड़ा होता है, वो पहली फिजिकल वेरिफिकेशन की क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहाँ पर है और उस रिपोर्ट के क्या रिजल्ट आए। ठीक है, और विपक्ष ने ये अभी से नहीं, जैसे छाबड़ा जी बताए हैं विपक्ष ने और खासकर इनेलो ने लगातार इस मुद्दा को उठाया कि यहाँ पर बहुत बड़ा धान में गड़बड़ी चल रही है, और सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं कहूंगा, खुद जवाहर यादव जी कह रहे हैं अतुल जी परमिशन दे दो, उसको हम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, अगर अगर सरकार की संपत्ति है तो आप ही ने तो खरीद कर उनको दी है। ठीक है जवाहर जी, एक ही लाइन में उत्तर दीजिएगा, एक लाइन में, उसके बाद हमारे साथ अब केवल ढिंगरा भी है, धनखड़ साहब भी है, उनसे भी मैं सवाल लूंगा। जवाहर जी सरकार की मिली भगत कैसा नहीं हो सकता। हाँ अरे आप सुन लीजिए ऐसा है कि कांग्रेस हो या इनेलो हो, पिछली बार भी इन्होंने बहुत शोर मचाया था, पिछली बार का रिकॉर्ड ये था कि उसका 100% मिलान हुआ था
और ये पिछली बार भी घोटाला घोटाला चिल्ला रहे थे, तो इसलिए बेसिकली इनकी सरकारों में घोटाला रहे तो उनको रात को भी सपने में घोटाला नजर आता है। पिछली बार 100% मिलान हो गया था, 100% वापसी हो गई थी धान की। ठीक है ठीक है, धनखड़ साहब, धनखड़ साहब, राइस मिलर्स के मान सम्मान को आप कैमरा, बॉडी कैमरा लगाकर ठेस पहुंचाने पहुंचेंगे और वो अंदर जाने नहीं देंगे। अब कैमरा लगा है तो वहां तस्वीर कैद हो जाएगी, तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। अतुल जी, कई बार बड़ी हैरानी की बातें सामने आती हैं। कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड की बात करती है, लोग डबल स्टैंडर्ड की बात करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सरकार और मिलन मिले हुए हैं, व्यापारी और सरकार मिले हुए हैं, स्टॉक पूरा नहीं है। कुलदीप शर्मा जी कहते हैं अग्निलर को तंग किया जा रहा है। ऐसे ही इन्हें लोग सरकार और मिलर, कुछ व्यापारी मिले हुए हैं, कुछ ईमानदार हैं और सरकार मिली हुई मिलर से, मतलब डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। वेरिफिकेशन करा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं सरकार क्यों वेरिफिकेशन कराना चाहती है। बॉडी कैमरा लगा के दूध का दूध पानी का पानी, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहती है, सरकार सबको पाक साफ पढ़ के सब कुछ दिखाना चाहती है। हमारे व्यापारी भाई भी कोई बेईमान नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगी तो सरकार का माल है, वो जनता का पैसा है, तो मिलर को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चिंता इस बात की, अमरजीत छाबड़ा जी एसोसिएशन के हेड हैं, बीच में बोले बिना नहीं मानते। कृपया करके हमने आपको सुना, आप भी हमारी सुनिए। आप सहयोग कीजिए सरकार का, ताकि जनता को पता लगे कोई भी व्यापारी कोई मिलर बेईमान नहीं है। सरकार भी बड़ी पाक साफ दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, मिलर भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी ये चाहते हैं, प्रदेश की जनता किसी तरह से गलत नजर से ना देखें। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो। आज भी कैमरा बॉडी का मतलब यही है, ताकि प्रदेश की जनता को, सरकार को, व्यापारियों को, सबको ये देखा जाए ये जो सरकार चल रही है जनता की भलाई के लिए काम करना चाहती है, हर कोई मिलके काम करना चाहता है, पाक साफ रहना चाहता है, यही तो है। इसमें कोई बुराई नहीं है बिल्कुल। हम तो व्यापारी भाइयों से एक प्रार्थना करते हैं, जब आपका हमारा मेल इस बात का है कितना पैडी दी जाती है, कितना आपने चावल वापिस करना, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब आप पाक साफ हैं, एक बार अगर पाक साफ आपने दिखा दिया अपने आपको, प्रदेश की विपक्ष को, प्रदेश की जनता को, सरकार को, सबको पता लग जाए तो दिक्कत क्या है आपको। तो आपने हमें सहयोग करना चाहिए, हम और आप सब मिलके प्रदेश की जनता की भलाई के लिए तो बैठे हुए, आप ही तो प्रदेश की भलाई कर रहे हैं। जब धान निकाल के जनता को देते हैं नहीं, सबके बीच में वो बढ़ता है। हरियाणा में, हरियाणा के अंदर 61 लाख मीट्रिक टन धान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अंकर साहब, मैं समझ गया कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है तो वेरिफिकेशन होकर रहेगा। शाबाश साहब, आ रहा हूँ आपके पास। शाबाश साहब, और एक चीज का बोलेगा बताना चाहता हूँ अमरजीत छाबड़ा, एक मिनट जब मैं हरियाणा बताइएगा। अरे अमरजीत छाबड़ा, अमरजीत छाबड़ा, अमरजीत छाबड़ा, अमरजीत छाबड़ा, जब मैं आऊंगा आपके पास तब आप अपनी बात रख लीजिएगा। जब मैं आऊंगा तब अपनी बात रख लीजिएगा। केवल ढिंगरा, केवल ढिंगरा, सरकार वेरिफिकेशन कराएगी और राइस मिलर कह रहे हैं कि हमारी प्रताड़ना हो रही है। अमरजीत छाबड़ा, वो बिना से, अरे अमरजीत छाबड़ा, क्या पुलिस, अमरजीत छाबड़ा, अमरजीत छाबड़ा, अगर आपको डिबेट नहीं करनी आती है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए। जब मैं आऊं तब अपनी बात रखिए, अगर बोलना भी है काउंटर में तो छोटा छोटा कमेंट करिए, बहुत सारे मेहमान हैं, डिस्टर्ब मत करिए। सर डिबेट क्यों नहीं करना? केवल ढिंगरा, केवल ढिंगरा, अब अमनदीप की तरह आप भी तो नहीं कहेंगे कि पहले विपक्ष ने या आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने सवाल खड़े कर दिए और अब मिलर्स के पक्ष में आप ये कह देंगे कि नहीं सारे मिलर्स गड़बड़ नहीं है, इसलिए प्रताड़ना भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। अतुल जी, पहली बार जांच होती है, इनको कोई गलत नहीं लगता। अभी जवाहर यादव जी कह रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, दूसरी बार जांच हुई फिर कुछ गलत नहीं हुआ, तीसरी बार फिर जांच कराना क्यों चाह रहे हैं अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गलत हुआ है और गलत ये हुआ है क्योंकि 7 से 8 लाख मीट्रिक टन जो है वो करीबन जो धान है वो कम आया है। 7 से 8 लाख मीट्रिक टन जो है वो सरकार को धान कम मिला है, इसलिए तीसरी बार जांच की वे बात कर रहे हैं। लेकिन ये मिलर्स की सिर्फ बात करके उन सरकारी अफसरों को और कर्मचारियों को बचाना चाहती है सरकार, इसीलिए उनको 10 दिन का टाइम दे रही है।
कि आप जो है कहीं औने पौने इलाकों से अपना धान लेके आइए, गंदा सड़ा हुआ चाहे कोई भी धान उठाइए और जो उनको स्टॉक पूरा कर दीजिए। क्यों 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है? ये असली मुद्दा है और इस असली मुद्दे को जेजेपी के धनखड़ साहब बीजेपी को बचाने के लिए पूरे वाक्य बोल रहे हैं। और आप ये बात क्लियरिटी में ये बताएं कि जो 7 से 8 लाख मीट्रिक टन है वो धान कम क्यों हुआ, ये बात बताने का कष्ट क्यों नहीं धनखड़ साहब करते? और इस बारे में ये सरकार ने उनको 10 दिन का टाइम जो है, जे पी के दास जो है इसके फाइनेंशियल कमिश्नर है, इन्होंने क्यों टाइम दिया है? इन्होंने टाइम दिया है, पी के दास जो कमिश्नर है फाइनेंशियल कमिश्नर, उनकी स्टेटमेंट आ रखी है कि 10 दिन का मिलर्स को टाइम दिया जाए। क्यों टाइम दे रहे हैं ये बताने का कष्ट करेंगे? ये क्या कौन से सरकारी अधिकारियों ठीक है कर्मचारियों? चलिए अभी तो आप मांग कर रहे थे जांच, अब आप कहते हैं टाइम क्यों दे दिया गया, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। डिंगरा साहब इसका जवाब ले लीजिए जवाहर यादव से, बहुत छोटा सा जवाब जवाहर यादव, उसके बाद में छाबड़ा साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए डिंगरा जी ने जो आरोप लगाया कि इतना धान कम है सरकार के पास आया है, तो सरकार के पास तो अभी आया ही नहीं साहब, सरकार के पास तो मार्च में आएगा। और आप इतने अंतर्ज्ञानी हो गए कि आपने वो कैलकुलेशन कर ली कि इतना धान कम है, आपको किसी एजेंसी ने कहा, कोई आपके पास दस्तावेज है जो ये बताते हो इतना धान तो हमारे पास है, चावल है? अरे एक मिनट शांति रखिए, अरे एक मिनट शांति रखिए। इसका असली वेरिफिकेशन तो हमारे पास, हम बीच में यहां भी चेक कर रहे हैं, आपने तो कभी फिजिकल वेरिफिकेशन, अरे ये देखो बीच में आ गया अतुल जी, कैसे डिबेट करूं? नहीं नहीं आप बोलिए, अतुल जी कभी कभी तो आना पड़ता है ना, वैसे एकदम शांत भी नहीं बैठ सकते ना, बोलकर चुप हो गए, बोलिए जल्दी जल्दी। अरे सर सर हम दूसरी जगह बैठे हैं, हमारी आवाज में अंतर आता है। देखिए आज तक इन्होंने तो अपनी सरकार में फिजिकल वेरिफिकेशन कराया नहीं, तो उस समय जो होता होगा ऐसे विचार इनके मन में आते होंगे कि हमने ऐसा किया तो शायद ये सरकार भी ऐसा करती होगी, परंतु हमारी सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए 4 साल से करा रही है, अगर हम पर कोई आरोप लगा, हमारे राइस मिलर भाइयों पे कोई आरोप लगा या आड़तियों पे कोई आरोप लगा, तो ये आरोप है या इनमें सच्चाई है? तो 4 साल से तो आज तक कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। ठीक है, हमने इस बार भी ये मुद्दा था तो हमने अब भी कहा कि हम इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेते हैं। अब ये कहते हैं कि जी ये 10 दिन का समय क्यों दिया गया, मैं फिर बताता हूं 10 दिन का समय टेक्निकल बता देता हूं कि अगर हम ये मानते हैं कि इन्होंने हमसे पैड़ी ली और उसका चावल बनाना शुरू कर दिया, तो ये राइस मिल के अंदर सामान नहीं रखा हुआ सारा का सारा, कहीं ना कहीं इनके गोदाम बने, गोदामों में सामान है, वहां से वो राइस मिल में जाता है। तो अब हमने कहा कि इसकी पर डे की एक कैलकुलेशन की जाए कि किस ठीक है मैं समझ गया, इतना विस्तार से जवाब उतना चाहिए। अब समय को लेकर भी अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो भी आप उसका जवाब दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक डेडलाइन तय की थी, हम उस तैयारी के साथ जा रहे हैं जवाब देने के लिए। मैं आऊंगा अमनदीप आपके पास, अमरजीत छाबड़ा सरकार का पक्ष आपने सुन लिया, वो तीसरी बार नहीं दूसरी बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए बॉडी कैमरा लगाकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब बॉडी कैमरा लगाकर जाएंगे, आपका मान सम्मान कतई कम नहीं होगा, करा दीजिए फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, वैसे भी सरकार की संपत्ति है। मैं सर मुझे कोई किसी तरह से, हमें ना बॉडी कैमरा से दिक्कत है ना किसी चीज से दिक्कत है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो जवाहर यादव जी ने कहा ये बिल्कुल सरकार की संपत्ति है, जो इन्होंने सरकार के पास स्टोरेज की जगह नहीं है, वो राइस मिलों में पैडी स्टोर होती है, राइस मिलर उसकी पैडी को मिल्ड करके एक एक दाना एक एक चावल कस्टम राइस मिल FCI में डिलीवर करता है। और जो बोलते हैं जो पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हम भी शायद उन सरकारों का हिस्सा रहे हैं, उनमें मतलब जो धान की कमी चावल पूरा नहीं जा पाया, इस बार पिछले साल 99.9% राइस की डिलीवरी, कस्टम मिल राइस की डिलीवरी सरकार को हुई है। और ये मतलब बधाई के पात्र हैं मिलर भी, आड़ती भी, हमारे छाबड़ा साहब और केवल डिंगरा कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको 10 दिन का टाइम देकर गड़बड़ी करने का मौका दिया गया? सर डिंगड़ा जी शैलर चला के देख ले, इनको पता चल जाएगा, मेरे आप शैलर चला के देख ले, आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि ऑन प्रोसेस है, 10 से 15,000 क्विंटल पैडी ऑन प्रोसेस में होती है, कम से कम हर एक मिलर के पास 15,000 क्विंटल। कहीं कोई उसकी सुखाई हो रही है, कहीं कोई उसकी ड्राइंग हो रही है, कहीं कोई उसकी मिलिंग हो रही है, कहीं कोई उसकी शॉर्टिंग हो रही है, कहीं उसमें अगर कोई टुकड़ा फालतू तो उसकी ग्रेडिंग हो रही है। ये मिल चला के देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा, ये मिल चलाए, मैं इनकी मिल में छापा मारता हूं, 100% इनका स्टॉक सही होगा, मैं गलत साबित करके आऊंगा। चलिए, नहीं तो फिर केवल ढिंगरा फिर राइस मिलर हो जाएंगे। अभी वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको प्रवक्ता ही रहने दीजिए, लेकिन उन्होंने आरोप गंभीर आप पर लगाया है। अमरदीप, कुछ कह रहे थे आप बहुत जल्दी से, मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं कि कुछ ऐसे राइस मिलर, ये कुछ का अभी ज्ञान हुआ आपको, और ढिंगरा साहब कह रहे हैं सारे मिलर्स उनको मौका दे दिया गया। अतुल जी पहले आप बात को समझिए, हमारा जो एक भी राइस मिलर में किसी में भी कोई एक भी धान के दाने में फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इस मुद्दे को आप केवल इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या एक सवाल पूछिए जवाहर यादव जी और दलवीर धनखड़ जी कि पहली फिजिकल वेरिफिकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी से हुई धनखड़ साहब, जो जिसका रिजल्ट आपने बताया नहीं है, वो क्या हुआ? अगर सही पाया गया तो आप फिर से क्यों कर रहे हैं ऐसी फिजिकल वेरिफिकेशन? और दूसरी बात, जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि सरकार की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी भाई साहब आपने ही दी है ना उनको, आपको नहीं पता कितनी प्रॉपर्टी दे दी आपने उनको, कैसे दे दी आपने बिना मिली भगत के, कितना वजन करवाया आपने, कैसे दे दिया बिना मिली भगत के इतना ज्यादा? अब आप कह रहे हैं बोल रहे हैं, कहां दे दिया गया, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दलवीर धनखड़ इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं आऊंगा, जवाब ही आऊंगा आपका। दलवीर धनखड़ जवाब दीजिए, दलवीर धनखड़ बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। इनको जानकारी नहीं है ट्रेड के बारे में अतुल सर, मेरे को हैरानी हो रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस है, आपको है ना, ये तभी टाइम मिल रहा है, मैं बड़ा हैरान हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस है, डबल स्टैंडर्ड बातें क्यों कर रहे हैं एक साथ डबल स्टैंडर्ड बातें ना करें, कभी तो मिलर को भी बात बताते हैं, कांग्रेस भी वही बात करी है, इनको भी वही बात करी, कभी सरकार को भी बात बता देती है, कई भी ऑफिसर को कई बात बता देते हैं। हम कहते हैं हम जाते हैं प्रदेश की भलाई के लिए, आप ये बताइए पहली फिजिकल प्रदेश की भलाई के लिए क्या कौन सी राइस मिलर लिया था, वो कहां पे ऐसा? अरे भैया बता तो रहे हैं यार, अब सुन लीजिए अमनदीप, सुन भी लीजिए धनखड़ साहब जल्दी से, डबल स्टैंडर्ड ये है कांग्रेस में, भूपेंद्र हुड्डा बेईमान बता रहे सबको, कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि मिलर को तंग किया जा रहा है, उधर बेईमान बता रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इधर इनेलो के प्रवक्ता कुछ कह रहे, नेता कुछ कह रहे हैं, हम बात बड़ी आराम से पाक साफ बात कह रहे हैं। राइस मिलर और सरकार मार देती है राइस मिलर के पास स्टॉक होता है, स्टॉक से निकाल के वो गोडाउन में माल भेजते हैं, जो कच्चा माल है अपना चावल तैयार होके जाता है, वो एक सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश की सरकार ये चाहती है, चाहे विपक्ष हो चाहे प्रदेश की जनता हो या सभी जाने, अब ये एक्चुअल स्थिति क्या है, कौन सा धान कहां रखा हुआ है, कौन सी पैडी कहां रखी है, प्रोसेस में कितनी है, स्टॉक में कितनी है, गोडाउन में कितनी है, ना मिलर को तकलीफ होनी चाहिए ना किसी और को तकलीफ होनी चाहिए, सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है। अब धनखड़ साहब देखिए, तकलीफ तो है, तकलीफ उनको भी है, सही ठिकाने, तकलीफ उन मिलर्स को भी है, तकलीफ यहाँ पर विपक्ष को भी हो रही है। प्रश्न यहाँ पर यह है ना कि जब सब कुछ पाक साफ करने के लिए बॉडी कैमरा लगा के अधिकारी जाएंगे तो मिलर्स को अचानक से आपत्ति क्यों हो गई, और वो आपका अभिनंदन भी कर रहा है फिर कह रहा है मान सम्मान भी कम हो गया। वैसे केवल ढिंगरा साहब अभी तक तो कांग्रेस मांग कर रही थी कि इस पूरे घोटाले की, जिसको आप कहते हैं घोटाला भी साबित नहीं हुआ है, कि इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई करे, आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है तो आप तो सीबीआई की एजेंसी से भी तेज निकले, तो उसके प्रमाण कहीं रख दीजिए कोर्ट में ले जाकर। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये जो पीके दास जी ने अपनी एक खुद की इंटरव्यू दी है और पेपर में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं आपको, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दस दिन का टाइम आपको दे रहा हूं, 19 तारीख को इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर भी अगर स्टॉक कम मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पीके दास जी के वर्ड है, और उसके साथ ये भी लिखा है इसमें आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है, ये लिखा है पीके दास जी ने और ये अखबार में छपा है, ठीक है अखबार देख लीजिए उसके अंदर ये छपा है, ठीक है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये पीके दास जी का इंटरव्यू का सफा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ,
इसके अंदर 5 से 8 लाख मीट्रिक टन का घोटाला है, जिसकी सीएजी ने उल्लेख भी किया है कि इसके अंदर वेरिफिकेशन में धान कम आया है और जो पैडी है वो ठीक है। नहीं नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे जवाहर यादव साहब, पीके दास जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि क्योंकि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर केवल ढिंगरा, वो बराड़ा की रिची रिच राइस मिल का मामला था, 4/1/2017 का मामला, और उसके बाद भी जो फ्रॉड थे या जो डिफॉल्टर थे उनको ही धान आवंटित कर दिया गया था, वो भी एक मामला इस सरकार के दौर में रहा। जादौन साहब मैं माफी चाहूंगा, लंबा इंतजार मुझे आपको करना पड़ा। देखिए बात घूम फिर कर आ रही है राजनीति में, सरकार कह रही है कि हमारी मंशा ठीक, मिलर्स इसी सरकार का अभिनंदन करते हुए कह रहे हैं कि नहीं हमारा मान सम्मान आप उसका ख्याल नहीं रख रहे। अब यहां पर राइस मिलर्स भी शक के घेरे में है, अधिकारी कर्मचारी भी शक के घेरे में है, तो क्या इस वक्त सरकार जो वेरिफिकेशन का दावा कर रही थी उस स्थिति में आगे बढ़ती दिख रही है, और अगर दिख रही है तो क्या उसका नतीजा भी निकलेगा, क्योंकि इसके पहले भी वेरिफिकेशन कुछ नहीं मिला, यह तर्क है मिलर्स का, और अब मिल जाएगा इसका अभी तक तो कोई आधार दिखाई नहीं देता, तो उससे मिलेगा क्या, उस घोटाले का खुलेगा क्या। देखिए मामला बहुत उलझ गया है और इसमें कई पक्ष इन्वॉल्व हो गए, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है, तीसरी तरफ मिलर्स है, तो त्रिपक्षीय मामला हो गया है और इसमें जो है सच्चाई सामने लाने की भी चुनौती है और सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं कि उसके पास मिलर के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं दिखाई देता और मिलर्स ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आज ये है कि जो एक वेरिफिकेशन हुआ है उस पर ये डाउट क्रिएट किया गया कि वहां कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत कर ली, इसलिए सब हो रहा है। और अभी क्वेश्चन जो रेज किया जा रहा है वो ये भी है कि 10 दिन का टाइम क्यों दिया गया, उससे भी डाउट बहुत बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो है मिलर्स को अपना माल हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया, जो कैमरे अभी निगरानी करेंगे वो कैमरे उस समय भी निगरानी कर सकते थे जब उनको धान हैंडओवर किया गया। इसके बारे में मैं जवाब देना चाहूंगा, प्रोसेस को अगर पहले से ही फॉलो किया जाता तो मामला इतना नहीं उलझता। अब यह है कि डाउट संदेह पर संदेह और सरकार के पास कोई चारा नहीं मिलने के लिए कि वो जो मौजूदा मिलर्स हैं उनको छोड़कर कहीं और जा सकती है, उसको जो है अपने धान की मिलिंग तो इनसे ही करवानी है, तो किसी तरह से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो सभी पक्षों को मान्य हो, सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए। पर 10 दिन का टाइम देना भी कुछ ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना है तो वो एक साथ ही वेरिफिकेशन होना चाहिए था जब कैमरे के साथ ही हो रहा है। अब सवाल ये है कि कुछ प्रोसेस में रहता है तो प्रोसेस का तो अंडर कंस्टिट्यूशन आ जाता है ना कि कितना प्रोसेस में है, प्रोसेस का तो जो मिल की प्रोसेस में है, जो किसी तरह से और तरह की प्रोसेस में है, जो भी टेक्निकल प्रोसेस है वो तो माल का कंसीडर हो जाता है, तो सवाल ये है कि 10 दिन का टाइम क्यों। चलिए चलिए ढिंगरा साहब का सवाल यानी जायज है, बुनियादी है कि 10 दिन का टाइम क्यों, छाबड़ा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सर एक ना मैं बताता हूं, सर मैं बताता हूं, 10 दिन का टाइम मैं एक बताता हूं आपको कि इसमें परसेंटेज निर्धारित की जाती है, जैसे जो हमारे दिसंबर की 30% तक की एवरेज हमें जो जितना चावल मान लो हमें 100 किलो चावल मिला है तो उसका 30 किलो चावल हमें दिसंबर तक डिलीवर करना पड़ता है, तो वो जिनकी डिलीवरी एक तो सरकार के पास इनके एफसी के गोडाउन्स में स्पेस की कमी है, 30% डिलीवरी ताकि मिलर की पूरी हो जाए उसमें वो अच्छी तरह से चेक हो जाए, शायद ये समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिया गया, ना कि जिसके पास कोई पैडी कम है कोई 10 दिन में या 8 दिन में या उतने दिन में कोई अपना धान पूरा नहीं कर सकता है। मंडियों में इतना धान आता है 60 लाख टन जो धान है, ये कहते हैं कि 7 से 8 लाख टन धान जो है वो मिला नहीं, ठीक है, तो 7 या 8 लाख टन धान कोई 8 या 10 दिन में किसी मिलर कोई मिलर इकट्ठा नहीं कर सकता है, कोई वो ऊपर से उड़कर नहीं आ जाएगा, ये इनकी धारणा है, ये गलत धारणा है, ये इनका काम है सरकार के ऊपर, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी विपक्ष और सरकार के मुद्दे में मिलर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, टैक्स पेयर है उसको चोर बताया जा रहा है। जवाहर यादव जी बता देना हमें कोई बॉडी कैमरे से किसी तरीके से बॉडी कैमरे से किसी चीज की तरीके से कोई दिक्कत नहीं है,
तो छाबड़ा साहब कोई दिक्कत नहीं है, छाबड़ा साहब देखिए, छाबड़ा साहब कैमरे के अंदर भी दिक्कत नहीं है आपको, जांच से भी दिक्कत नहीं है, और सरकार का आप पक्ष ये लेते हुए कह रहे हैं कि अभिनंदन भी हम करते हैं, इनकी नीतियां इनकी पॉलिसी ठीक है आप लोगों के लिए, तो एक बार फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन करा दीजिए। विपक्ष का जो आरोप है, आदत लगाने की जो आरोप है उनकी, सर सबके लिए ठीक है, हरियाणा नतीजा निकल जाएगा। कोई भी विपक्ष में बैठा कल को बीजेपी बैठेगी, शायद बीजेपी भी यही कहेगी। अधिकारियों की और क्लैरिकल कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। ठीक है, अमनदीप केसरी, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट की तरफ ही बढ़ूंगा। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस सारी मिलर्स की जांच कराने के साथ साथ समय पर भी सवाल खड़े कर रही। जाधवन साहब ने भी कहा कि हां 10 दिन का समय क्यों, उसका जवाब छाबड़ा साहब ने जवाब दिया कि एक प्रक्रिया है। इस वजह से अब इनेलो की मांग क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन हो कि ना हो, क्योंकि मिलर्स कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो हम चेतावनी देते हैं, हम ये कदम उठाएंगे। अतुल जी, जिस दिन पहले भी वेरिफिकेशन हुई उसके बीच में टाइम मिल गया। अतुल जी, इनेलो की मांग बिल्कुल क्लियर थी, सबसे पहले मुद्दा भी हमने उठाया कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। और जो ये मेरे भाई जेजेपी वाले कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड की बात, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। हमारा मुद्दा है कि आप घोटाला उजागर करिए, लेकिन आप लीपा पोती करके और घोटाले में हिस्सेदारी बनके किसी को बलि का बकरा मत बनाइए। हम ये कह रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, आप घोटाला उजागर करिए। और हमारी ये मांग थी, आपकी तो मांग भी नहीं थी। और घोटाला को अब सर आप ये पूछिए इनसे, दोनों प्रवक्ताओं से, कि पहली फिजिकल वेरिफिकेशन अगर सरकार की नीयत साफ होती तो एक में ही मामला निपट जाता, यहाँ तो तीसरी बार की बात चल रही है। क्या हुआ पहली का, क्या रिजल्ट निकले पहली में? ठीक है, ठीक है, अमनदीप इसका जवाब लेते हैं। जवाहर जी फाइनल कमेंट, एक मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूँ। जो सवाल अमनदीप का है और जो यहाँ पर प्रश्न है मिलर्स की तरफ से कि बार बार क्यों फिजिकल वेरिफिकेशन और बॉडी कैमरा लगाकर मान सम्मान आप उनका खत्म कर देंगे, तो अब क्या फैसला है होगा, या वो जो चेतावनी दे रहे उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जो ऐलान किया था वो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद परिवर्तित हो जाएगा? देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, ये 4 साल से हमने ये परंपरा डाली हुई है। और ये खुद अभी राइस मिलियर एसोसिएशन के जो छाबड़ा जी है उन्होंने कहा, मैंने भी कहा था कि 100% हमें रिकवरी पिछली बार हो गई थी, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की, और इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस के समय में ये नहीं होती थी। तो घोटाला कौन करता था ये हरियाणा की जनता जानती है। अब इन्होंने कहा कि इस समय क्यों दिया गया, इसका टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण यह है कि जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, हर राइस मिलर की एक अपनी कैपेसिटी है। हमने ये माना कि जब उसने धान वहां से उठाया, पैड़ी उठाई, और अगले, अरे एक मिनट अपनी बात करो जी, कौन बीच में आ गई, अरे एक मिनट बीच में रुकिए ना जी आप, अरे एक मिनट रुकिए, बीच में कौन आ गए, मैं देख नहीं पाऊंगा। डिगरा साहब सुन लीजिए, डिगरा साहब सुन लीजिए, फिर मैं आपको समय का दूंगा। अरे डिगरा साहब रुकिए जी, आपको भी एक मिनट दूंगा, सुन तो लीजिए जल्दी से, उनका एक मिनट में बीच में आप मत बोलिए। अरे अरे डिंगरा साहब, अभी वो प्लांट अबंडन का अंतिम फैसला आया नहीं है, अभी साहब हुड्डा साहब के पीछे क्यों पड़ जाते हो, अभी सजा थोड़ी मिली है यार, हम भी कह रहे हैं उनको भी सजा नहीं मिली। अब मैं आता हूं कि हमने ये 10 दिन क्यों दिए, कारण क्या है कि हर एक मिल की अपनी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में, अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, बीजेपी के कार्यालय, अरे भाई रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे डिंगरा साहब उसका भी, डिंगरा साहब मैं डिबेट कर लेता हूँ, रुक जाओ यार डिंगरा साहब, सुन लीजिए, डिंगरा साहब रुक जाओ, आप बीच में बोलेंगे वो आपका मुद्दा उठा देंगे, और जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका परिणाम कुछ निकलेगा नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। जवाहर जी बहुत जल्दी से समाप्त करिए। देखिए हमारी सरकार में, देखिए मैं बिल्कुल मुद्दे पे आता हूँ, एक तो हमारी सरकार में कोई जीजाजी नहीं है जिसकी हमें रक्षा करनी पड़े। मेरा हमने 10 दिन का समय क्यों दिया, ये 10 दिन का समय इसलिए, 10 दिन का समय इसलिए दिया गया, हर राइस मिल की, हर मिल की अपनी एक कैपेसिटी है, जितने दिन हो गए उनको, अरे यार फिर तुम बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए, फिर जीजाजी को बीच में ले आए आप, मैं जीजाजी में चर्चा ही नहीं कर रहा आज, आप जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को लेके आते हो बीच में। अरे आपको आपका गुड़गांव प्लॉट के बारे में भी आ जाओ, फिर मैं चाहता हूं जीजाजी को लाओगे तो गुड़गांव प्लॉट के बारे में भी आ जाओ, जो आ रही है कहां कर रहे हो आप, फिर जीजाजी को ले आते हो बीच में, अरे फिर जीजा, अरे जीजा जी में डिबेट नहीं आज, अरे आज जीजा
दादी पे डिबेट नहीं है भाई। अरे जी दादी का मुद्दा कोर्ट में कोर्ट के फैसले पे चर्चा करेंगे। जी कहां से आ गए? ये केवल ढींगरा 10 दिन का समय क्यों दिया है वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। आप बीच में बोलेंगे वो जीजा जी को बीच में लाएंगे, फिर आप तिलमिला जाएंगे। धान पर चर्चा कर रहे हैं, घोटाला है सर, इतना बड़ा घोटाला। आप सुन तो लीजिए केवल ढींगरा, केवल ढींगरा, एक मिनट। गलत सब सभी बोल रहे हैं और सभी सही बोल रहे हैं। तो जो आप बोलते हैं वही गलत होता है या वही सही होता है, ऐसा नहीं है ना। मैं कह रहा हूं बार बार कि हाँ सुन लीजिए उनको, तो सुन लीजिए, वरना आपका एक मिनट में ज्यादा मिनट काट लूंगा, फिर आप तिलमिला जाएंगे। जवाहर यादव सुन लीजिए, अरे आपके जीजाजी है, उनके जीजाजी नहीं है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। जवाहर यादव जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। जवाहर यादव की जीजाजी का मुझे पता नहीं कौन है। अरे जीजाजी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, जीजाजी कोई चर्चा करने का विषय है। अरे ढींगरा की बात समझ में नहीं आती आपको? तो 31 प्लॉट में ऊपर कर लेते हैं अगर प्लॉट। अरे धान का मुद्दा आपने उठाया है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसका आप जांच करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की, उसका जवाब मिल रहा है और आप पता नहीं कहाँ चले गए। मुद्दे से भटक जाती है कांग्रेस बार बार, आदत पड़ गई है क्या? सुन तो लीजिए। नहीं आप जवाहर यादव चेंज कर रहे हैं ना मुद्दा, इनको कहिए आप। अरे तो मैं तो उन्हीं से पूछ रहा हूँ, अब आपका अगर बंद हो तब तो उनसे मैं पूछूं। जवाहर यादव देखिए 10 दिन, हाँ 10 दिन का समय इसलिए दिया गया, हर राइस मिल के एक कैपेसिटी है कि हमसे पैड़ी लेने के बाद इन्होंने प्रतिदिन कितना ये उत्पादन कर सकते थे। अब हमने एक एक राइस मिल की कैपेसिटी ले ली, जितने दिन इनके हो गए कहीं ये दूसरी जगह का चावल लाके ना डाल दे, इसलिए हमें कितना चावल वहां बना हुआ होना चाहिए जो अधिकतम बन सकता था वो वहां पर मिलेगा, और कितनी पैड़ी बची होनी चाहिए थी वो वहां पर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसलिए 10 दिन का समय आपने लिया। जवाहर यादव मैं रोक रहा हूं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। दोबारा से आपने उनको 10 दिन का समय दे दिया, मुझे समय नहीं मिलेगा। अब केवल ढींगरा आप ही के पास आ रहा था, फिर बीच में बोलने लगे, आदत पड़ गई है कि आपको बीच में बोलने की। चलिए अब बोलिए, जल्दी से बोलिए, आधे मिनट। भाई मैं राहुल गांधी के जीजाजी की बात कर रहा था, आपके की नहीं कर रहा था, कहां गए? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जवाहर यादव जी के जीजा जी कौन है मैं नहीं जानता। अरे फिर जीजा जी पर चले गए भाई। कि ये जो घोटाले सरकार कर रही है उसकी जो फेरिस्ट है, आप ये देखिए जिस तरह से घोटाले ये सरकार कर रही है, घोटाले पे घोटाला हर चीज में, जो सी चीज निकालो उसी में ही इनका बीजेपी सरकार का घोटाला निकलता है, तो उसकी बार वेरिफिकेशन कैसे होगी? पहली बार अगर ये चेकिंग करते हैं तो इनको जब उसमें अनियमितता दिखी तो उसके बीच में भी तो टाइम मिला होगा मिलर्स को, अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको बचाने में सरकार लगी हुई है, इसलिए 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, मिलर्स को टाइम चलिए आपको जो दिया वो दिया, अब देखेंगे कि वेरिफिकेशन पहले तो होता है कि नहीं होता है, फिर होगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, और परिणाम निकलेगा तब कुछ गड़बड़ होगा तो फिर उसका क्या होगा, देखना पड़ेगा ना। अब आप लोगों के जीजा जी के चक्कर में मैं जादौन साहब के पास नहीं जा पाया। जादौन साहब माफी फिर से चाहता हूँ। जादौन साहब सीबीआई जांच की मांग, या वाकई शंका बरकरार है कि बचाने की कवायद है 10 दिन का समय? देखिए विपक्ष का जो कुछ जो संदेह है कुछ वो आधार भी रखते हैं, 10 दिन का जो टाइम देना था एक बड़ा इशू ये हो गया है। इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि राइस मिलर का और सरकार का साथ बहुत लंबे समय से चला रहा है, आगे भी चलाना है, आगे भी वो सब साथ जो उनका लेन देन है वो लगातार जारी रहना है, तो राइस मिलर्स को खुद ऑफर करना चाहिए कि अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी हो रहा है और अगर उनमें कोई कमी नहीं है तो उसमें वेरिफिकेशन में समस्या क्या है? बिल्कुल, आखिर में इस समस्या का समाधान क्या होगा? इससे तो ये और संदेह बढ़ता जाता है कि अगर आप किसी जात से पीछे हटते हैं तो लगता यही है, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जादौन साहब, जादौन साहब रोक रहा हूं सर, समय नहीं है, माफी चाह रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। अमनदीप बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, बिल्कुल बहुत शार्प कमेंट। किसी जात से पीछे नहीं हट रहे, हर एक जांच का स्वागत कर रहे हैं हम चाहते हैं कि घोटाला उजागर हो, और हम इसमें यह भी मांग करते हैं कि सरकार लीपापोति ना करे, असली गुनहगार को छुपाकर किसी को बलि का बकरा ना बनाए, और राइस मिलर्स जिसने घोटाला होगा तो उजागर होगा ना, घोटाला है ही नहीं उजागर क्या होगा, कह रहा है वो भी उजागर करे। ठीक है, धनखड़ साहब क्लोजिंग कमेंट बहुत शार्प। तो सरकार के अब अतुल जी मैं हैरान हूं कांग्रेस और इनेलो से, कभी वो मिलर के
साथ सरकार को मिलने की बात करते, कभी अधिकारियों के साथ में बचाने की बात करते हैं। मैं तो अपने भाई के अमरजीत छाबड़ा जी का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने एक बात कही, अपने व्यापारी भाइयों को भी समझाए, कैमरे के साथ जरूर, मैं तो कह रहा हूं बार बार कह रहा हूं, वेरिफिकेशन कराए जिसे प्रदेश की जनता को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की जो सरकार है उनसे भी आग्रह करूंगा, ठीक है सरकार प्रतिबद्ध है, वेरिफिकेशन होगा और अपनी प्रदेश की जनता को आखिर आपत्ति क्या छाबड़ा साहब, आपत्ति नहीं है ना, अब जो तय किया है सरकार ने वो करेंगे। कोई मैं कहता हूं धनखड़ जी हमारे साथ आए हर एक पीवी में ताकि इनकी तसल्ली हो जाए, ठीक है ना। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं है, सिर्फ जो मिलर को एक गलत दृष्टि से देखा जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। इन्होंने पीछे मैंने बताया शायद भूल गए 1500 नौ की जो खरीद थी वो 157 करोड़ की खरीद थी टोटल, और इन्होंने घोटाला बता दिया 4000 करोड़ का, कैलकुलेशन तो है नहीं। अब सर अब क्या करें, उम्र में कैलकुलेशन नहीं सिखा सकते ना, और सिर्फ मिलर को गलत दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी नजर है, ये सरकार का कहना है। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि पहले कांग्रेस के जमाने में वेरिफिकेशन होती ही नहीं थी और अब हो रही है, तो ढिंगरा साहब कह रहे हैं कि 10 दिन का समय क्यों दिया गया, वो भी वाजिब सवाल है भाई, पहले होती ही नहीं थी अब हो रही है तो 10 दिन का समय क्यों दिया गया, और अब अगर होने के नजदीक में आ गए तो फिर राइस मिलर के मान सम्मान और प्रताड़ना का मुद्दा उठ गया, अब सरकार को क्या करना है वो सरकार ही तय करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका, ढिंगरा साहब आपका, धनखड़ साहब आपका, अमनदीप केसरी आपका, राजन जौदान आपका और अमरजीत छाबड़ा आपका भी। तो सरकार बॉडी कैमरा लगाकर अफसरान को भेजेगी, वो जाएंगे राइस मिल में जाकर सरकार का जो चावल है संपत्ति के तौर पर रखा हुआ उसकी जांच करेंगे, मिलान करके एक डेटा देंगे। अब वो डेटा ढिंगरा साहब के डेटा से मैच करता है नहीं करता है, घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर भी थोड़ी शंका है।